अस्सलाम वालेकुम, पैटर्न की क्लास 11 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉनकैटिनेट क्या होता है और उसी के साथ डेटा टाइप तो हमने पढ़ लिया था। डेटा टाइप के अंदर हम देखने वाले हैं रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप से। रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप क्या होती है? तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम हम कोडिंग कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, हम लिखते थे नेम इज इक्वल टू कॉलन और अपना नाम लिख देते थे। ठीक है, ये नाम लिख दिया हमने और इसको हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे प्रिंट करा दिया इसको हमने, तो यहाँ पास इसका आउटपुट आ जाता था। ठीक है, अब लेकिन आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे तो वहां पे इस डेटा टाइप को इस ये तरीका गलत है लिखने का। तो फिर राइट मेथड क्या है वहां पास लिखने का? राइट तरीका ये है कि इसके लिए हम जो है मेंशन करना होगा कि हमारे पास कौन सी डेटा टाइप होगी। तो जैसे ये हमें पता है ये कॉलन डबल कोटेशन में लगी हुई इनवर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए हम लिखेंगे str, तो नेम स्पेस कॉलन str स्पेस और अब इसको हम रन कराएंगे। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, प्रोफेशनल करेंगे, आप AI की जब एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा अगर आप गलत डेटा इनपुट। अब स्ट्रिंग बनी हुई उसके अंदर हमारे पास इंट डाल देते हैं, स्ट्रिंग बनी हुई उसके अंदर कोई फ्लोट डाल देता है या कोई डेटा टाइप डाल देते हैं, तो आपका जो कोड होगा वो क्रैश कर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको। अब जो है हमारे पास ये सिर्फ स्ट्रिंग ही लेगी, अगर हम गलत डालना भी चाहे तो गलत नहीं डाले। तो ये हमारे पास एक फिक्स कर दिया बस हमने डेटा टाइप। तो इसके अलावा और कौन कौन सी होती है, वो भी देख लेते हैं। तो इसके साथ साथ और हमारे पास कुछ ये होती है स्ट्रिंग, ठीक है। एक बार मैं इसको वीडियो को पॉज करूंगा ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, हम देख रहे थे रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप में, हमने पहले रिस्ट्रिक्ट कर लिया था str स्ट्रिंग को, हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद इसी तरीके से हो सकती है हमारे पास, देखिए मैं इस पे माउस का कर्सर ला रहा हूँ तो मुझे बता रहे क्लास स्ट्रिंग है इसकी। इसी तरीके से हम इस पे कर्सर लाएंगे तो हमारे पास क्लास इंट है और मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दी। ये हमारे पास तरीका है रिस्ट्रिक्ट करने का, कॉलन फिर आगे मैंने मेंशन कर दी डेटा टाइप। ठीक है, तो इसको मैंने ये इंट है यानी कि इसमें नंबर आएगा। इसी तरीके से एक लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर हमारे पास मैंने मेंशन करे स्ट्रिंग होनी चाहिए और भी बहुत सी चीजें हो सकती है। एक एग्जांपल ये, तो मैंने सारी जो है ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर मैं इसके अंदर मान लीजिए कि हम क्या करें कॉमा लगा के अगर हम इसके अंदर इंट कर दे, कि थोड़ा सा खेल के चक्कर थे भाई, इंट करूं मैं और इधर लिख दूं 250। ठीक है, तो यहाँ पास जो है एरर शो कर देगा हमारे पास रिजल्ट के अंदर। ठीक है, अभी ये फाइल रन नहीं हो रही, वैसे अगर हम इसके अंदर करेंगे तो यहाँ पास एरर शो करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम वापस हमने इसको लिस्ट स्ट्रिंग 250 और टपल जो है वापस, टपल के अंदर क्या क्या होगी, टपल हमने पढ़ा डिस्कस नहीं किया है, ये इसी लिस्ट और टपल दो चीजें होती है। तो ये स्ट्रिंग और इंट और फ्लोट, तो इसके अंदर गए फर्स्ट के अंदर जो है हमने बोला है स्ट्रिंग मेंशन किया तो स्ट्रिंग आ जाएगी फर्स्ट। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से सेकेंडली इसके अंदर क्या आ जाएगी, एंड यानी नंबर, कोई सभी नंबर दे देंगे। और थर्ड जो हमने बोला है फ्लोट, फ्लोट यानी पॉइंट में वैल्यू होनी चाहिए तो हम ले लेते 7.0। तो ये हमारे पास तरीका है क्या रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप का। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉनकैटिनेट। वीडियो की लाइन चेक कर लेते पहले ताकि इसको इसी में मर्ज करूं लेक्चर या नहीं, 3 मिनट की होगी। चलो कॉनकैटिनेट हमारा हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कॉनकैटिनेट को। ठीक है, तो इसको आप हाइड कर दे या मिटा दे। तो ये हमारे पास कुछ टाइप डेटा टाइप की और भी बहुत सारी टाइप है, फिर आपके कमेंट्स आ रहा होता है कि आपने ये नहीं पढ़ा, बहुत सी चीजें हैं, आप बाकी खुद से भी चीजें एक्सप्लोर करें काफी अच्छा रहेगा। कॉनकैटिनेट को हम देखने वाले हैं अब यहाँ पे अपने पास। तो हम कॉनकैटिनेट की बात कर रहे थे, तो अब हमने इसको तो पूरा